नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताजा अपडेट पहुंचे आपके पास। नसीम तू लकी है, ये मेरी पक्की है। नसीम तू लकी है। ना हमारे यहाँ कोई नेता है, नेता है तो सब ये बैठी हुई जनता। आने वाले दिनों में संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे सब भाई बोलो, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई जिंदाबाद, नसीम भाई जिंदाबाद। चल गुंडों की छाती पे, मार लगेगी हाथी पे। चलेगी गुंडागर्दी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी गुंडागर्दी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नसीम भाई जिंदाबाद, नसीम भाई जिंदाबाद, नसीम भाई जिंदाबाद। चल गुंडों की छाती पे, मार लगेगी। अब पास नगर 250 के भी और लोधीपुर कल परसों में लग जाएगा 250 के भी। हरीश भाई, अफसोस की बात है कि हमारे मुसलमान आज रजनी मदारी शेरी सकलैनी की लड़ाई भूल चुके हैं इन योगी और मोदी के दौर में। तो आज पहाड़ी के चेयरमैन का फैसला पहाड़ी के लोग करेंगे, रिक्शा वाला नहीं करेंगे। इसलिए कि बताओ, अगर तुम यहाँ आके वोट तब मानते कि तमने रिक्शा में पावर हाउस बनवा दिया, पहाड़ी में नहीं बनवाया। रिक्शा में डिग्री कॉलेज बनवा दिया, पहाड़ी में नहीं बनवाया। रिक्शा में अस्पताल बनवा दिया, पहाड़ी में नहीं बनवाया। रिक्शा में गेट बनवा दिया, पहाड़ी में नहीं बनवाया। रिक्शा में शानदार रोड बनवा दिए, पहाड़ी में नहीं बनवाया। तुम्हारा लापता का पोस्टर लग चुका है। और कल मुझे हमारे चेयरमैन प्रत्याशी आरिफ भाई ने बताया कि मैं पार्टी में था, इसे सपने में भी नसीब दिखता है। कभी जाग के भी उठ जाता है तो नसीब दिखता है। पूरे पहाड़ी के अंदर हराने के लिए अपने सब भाइयों को उतार दिया, अपनी बीवी तक को उतार दिया। मेरे घर घर इस्लाम नगर में इसकी बीवी मेरे खिलाफ वोट मांग रही है, कह रही है कि नसीब को मत दो किसी को दे। दोस्तों, ये फैसला करेंगे रिक्शा वाले जिन्होंने हमें भावनाओं नहीं दिया, ये फैसला करेंगे जिन्होंने हमें मंडी नहीं दी, ये फैसला करेंगे जिन्होंने हमें आज तक एक रोड छोड़ो पहाड़ी में इस विधायक रहे अतार रहमान ने, इसने एक नाली बनवा दी हो। पार्टी की वजह से मैं नहीं बोलता था, लेकिन गली गली देख लो नसीब का नाम फौजुल नसीब का नाम। और भाजपा के लोगों ने अपने लोगों का हिंदू क्षेत्र में काम किया, छत्रपाल के भी आपको जगह जगह बैनर दिख जाएंगे और आप वोट दिख जाएंगे। तुमने 23,700 वोट पहाड़ी से लिए और उसके बाद काम कराते हो रिक्शा में, और बाहर रिक्शा की चेयरमैन ने भी कहा मैं यहाँ से नहीं बोलूंगा, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। तो बहेड़ी वाले के वहां के प्रदेशी है, 23,000 वोट देते हैं। ये वो लोग हैं जब मंजूर साहब लड़ते थे रक्षण तो 400 वोट, रफीक साहब लड़ते थे तो 600 वोट, मौलाना शफीक लड़ते थे और मैं लोग सबको इन्होंने हरा के भेजा है। बहेड़ी के लोगों, आपकी चेयरमैन भी बहेड़ी का बनेगा और आपकी विधायक भी बहेड़ी का बनेगा। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।